जनपद के जिला अस्पताल सहित 11 केंद्रों पर मात्र 124 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि गुरुवार को दीपावली का पर्व होने के कारण टीकाकरण बूथों पर लोगों की संख्या कम देखने को मिली। उन्होंने बताया कि अभी वैक्सीनेशन का कार्य चलता रहेगा। सीएमओ ने कहा कि जनपद में अभी तक 32,61,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें अभी तक प्रथम डोज लेने वालों में 23,54,000 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,07,000 लोग शामिल रहे। उन्होंने बताया कि करीब 2 से 2.5 लाख लोगों ने समय पूरा होने के बाद भी सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। सीएमओ ने लोगों से अपील किया कि अभी तक जो भी लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, वह अपने नजदीकी सेंटर या जिला अस्पताल जाकर वैक्सीनेशन करा ले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 11 जगहों पर भी टीकाकरण चल रहा था। आज टीकाकरण बूथों पर बहुत ही कम संख्या में लोग आए और अपना वैक्सीनेशन कराए हैं। टीकाकरण अभी चलता ही रहेगा। अभी तक हमने 32,61,000 से ज़्यादा डोज हम लगा चुके हैं, उसमें से 23,54,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज है और 9,07,000 से ज़्यादा सेकेंड डोज है। अभी भी हमारे जनपद में बहुत सारे लोग फर्स्ट डोज से छूटे हुए हैं और 2-2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो सेकेंड डोज के, जिनका ओवर ड्यू हो गया है, वो भी छूटे हुए हैं। उन सबसे हमारी अपील है कि हमारे सभी जिला अस्पतालों पर, हमारे सभी CSC PSC पर निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है। सभी लोग आएँ और अपना अपना वैक्सीनेशन कराएँ, जिससे हम कोरोना से अपने जिले को मुक्ति दिला सकें।